नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जातिवाद का गहरा नाता है। यहां का कोई वाद विवाद बिना जातिवाद के मुद्दे के साथ खत्म नहीं होता, इसलिए लखनऊ में बारिश के बाद मचे हुड़दंग का विवाद जातिवाद में फंस गया। सीएम योगी ने पुलिस और आरोपियों दोनों पर गाज गिराई, लेकिन खुद पर भी उसकी आंच आने से रोक नहीं पाए। कल सदन में जब सीएम योगी गरजे तो उनसे एक भूल भी हो गई, बस उसी भूल का फायदा विपक्ष उठाता नजर आ रहा है। हालांकि ये सीएम योगी की भूल थी या चालाकी, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन सीएम योगी अपने एक बयान की वजह से घिरे हुए जरूर नजर आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ नई ऊंचाइयां छू रहा है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी ने उनको घेर लिया है। लखनऊ के गोमती नगर में 31 जुलाई को भारी बारिश के दौरान महिला से मंचलों ने छेड़छाड़ की, इसका वीडियो वायरल हुआ और बढ़ते अपराधों के लिए लोगों ने योगी सरकार की आलोचना शुरू कर दी। फिर सीएम योगी के ताबड़तोड़ एक्शन लिया और दमदार एक्शन से माहौल बना दिया। वहीं यूपी विधानसभा में जब ये मामला गुरुवार को जोरों शोरों से उठा तो योगी आदित्यनाथ ने दमदार भाषण दिया और सबकी बोलती बंद कर दी, लेकिन इसी बीच उनसे एक गलती भी हो गई और वो गलती थी कि उन्होंने अपने बयान में दो आरोपियों की जाति और धर्म बताते हुए बयान दे दिया। विधानसभा में सीएम योगी ने कहा, हमने जवाबदेही तय की है, पहला आरोपी पवन यादव, दूसरा अरबाज, ये सद्भावना वाले लोग हैं, चिंता मत करो, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है, उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज, ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। अब आप कहेंगे कि इसमें गलत क्या है, तो बता दें कि मसला यह है कि इस मामले में 16 आरोपी हैं। गोमती नगर पुलिस ने सभी 16 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन सीएम योगी ने सदन में सिर्फ पवन यादव और अरबाज का नाम लिया, जिस पर विपक्ष ने अब उनको घेर लिया है। सीएम योगी ने हालांकि विधानसभा में सिर्फ 2 आरोपियों के नाम लिए, लेकिन गोमती नगर पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर कार्यवाही करते हुए 16 आरोपियों को छेड़छाड़ में गिरफ्तार करने में कोई कोताही नहीं बरती। गोमती नगर पुलिस ने जिन 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया उनके नाम हैं पवन यादव, मोहम्मद अरबाज, सुनील, जयकिशन, विराज साहू, अर्जुन अग्ररी, रतन गुप्ता, कृष्णकांत गुप्ता, अमन गुप्ता, अनिल कुमार, प्रियांशु शर्मा, आशीष सिंह, विकास भंडारी, मनीष, अभिषेक तिवारी और अभिषेक कुमार। अब इस सूची में एक बात तो साफ है कि महिला से बदतमीजी करने वाले विभिन्न जातियों से थे, उनके नाम से इसकी पहचान होती है, लेकिन छेड़छाड़ के इन आरोपियों का धर्म या जाति उन पर लगे आरोप से बढ़कर है। अब चूंकि सीएम योगी ने यादव समाज के एक लड़के का नाम सदन में लिया तो समाजवादी पार्टी का भड़कना लाजमी था, इसलिए सीएम योगी के बयान पर सपा मीडिया सेल ने लिखा, सदन में अपराधियों की जाति बताने वाले सीएम योगी इन गुंडों, बदमाशों, अपराधियों, माफियाओं, बलात्कारियों की जाति भी जरूर बताएं। सपा मीडिया सेल ने इन आरोपियों को योगी की जाति का बताते हुए हमला किया। उसने आगे लिखा है, इसी जाति पर सीएम योगी को बेहद गर्व है, ऐसा वो कहते हैं। ये अपराधी सीएम योगी के स्वजातीय होने के साथ साथ साथी भी हैं, सीएम योगी के युवा वाहिनी संगठन के पदाधिकारी भी हैं। ये अपराधी पुलिस को मारते पीटते, जान से मारने की धमकी देते हैं, किसके दम पर? सीएम योगी और उनके खासम खास अम्बरीश के दम पर। सीएम योगी को शर्म आनी चाहिए। अब देखा जाए तो इस मुद्दे ने तूल तो पकड़ ही लिया है, साथ ही कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी सदन में इसलिए भड़के क्योंकि 2 दिन पहले उनके अपने ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि यूपी में भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ रहा है। मौर्य ने राज्य के DGP और अन्य पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाकर उन्हें इस संबंध में निर्देश दिए थे। योगी ने मौर्य को उनकी इस हरकत का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन गोमती नगर की घटना में आरोपियों की जाति बताकर अपने इरादे बता दिए हैं। अब इस बात में कितना सच है और कितना नहीं, ये जरूर जानना दिलचस्प रहेगा।
फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।